आपको लेकर चलते हैं भगवान जगन्नाथ के श्वेत वर्णी धाम में, जहां काठ के विग्रह में छिपा है चमत्कार। देखिए रांची के जगन्नाथ की महिमा। तीस साल पुराने भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की स्थापत्य कला हर किसी को आकर्षित करती है। रांची में स्थित भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली की वास्तुकला के अनुसार किया गया है, जो हूबहू उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की तरह ही दिखता है। ये मंदिर 1691 ईस्वी का बना हुआ है। एक राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव जिस मंदिर का निर्माण किए थे, जो पूरी से ला के यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की, उसके बाद यहाँ प्रजाजनों के देख दर्शन करने की सुविधा हो, इसके लिए यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की। ये मंदिर पूरी शैली से बना हुआ है। पूरी में जो जगन्नाथपुरी है उसी के हिसाब से बना हुआ है। जो पूरी में कलाकृति भगवान का है, बाहर भी भगवान का दर्शन हुआ ऐसा बनाया गया है। बाहर सिंह द्वार, सिंह भगवान सिंह का सामने चिन्ह रखा गया है कि सामने सिंह रहेगा, शेर का चिन्ह रहता है। भगवान विष्णु का भी अवतार सारे मंदिर में रहते। कलाकृति है जो पूरी शैली से बना हुआ है, सारा मंदिर निर्माण हुआ है। हालांकि इस मंदिर का आकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर से तुलनात्मक रूप में छोटा है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जिन विग्रहों की पूजा की जाती है, वो सभी काठ यानी लकड़ी के बने हैं। सभी देवताओं के विग्रह को नीम की लकड़ी पर उकेरा गया है। जटिल नक्काशी के साथ मंदिर का आकर्षण मन को मोह लेता है। इस मंदिर को रंगों के अनूठे मिश्रण के साथ सजाया गया है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से को एक किले के रूप में बनाया गया है। मंदिर के भीतर एक लंबा गर्भगृह है। गर्भगृह के आगे भोग गृह है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रसोई पकती है। भगवान जगन्नाथ का भोग पूरी तरह से आज भी प्राकृतिक रूप से ही बनाया जाता है, जो मिट्टी के बर्तनों में बनता है। ब्राह्मण ही भगवान जगन्नाथ की रसोई बनाते हैं। मंदिर वैष्णव पंथ से संबंधित भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर का खुलने का समय सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक है। दोपहर 12 बजे के बाद ये मंदिर 3 घंटे के लिए बंद हो जाता है। शाम को 3 बजे पुनः मंदिर खुलता है और शाम की आरती होने के बाद मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है। रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर की पूजा अन्य हिंदू मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ के पुजारियों को पांडा के नाम से जाना जाता है। भक्त नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर देवता की पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत भगवान जगन्नाथ को फूल और भोजन चढ़ाने से होती है। देवताओं को दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिसे भोग के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में शाम को शयन आरती की जाती है। जो मंदिर का जो सेवा है, उस सेवा से सबको एक एक जिम्मेवारी एक एक मुखिया को दी गई। जैसे आप झंडा देखते हैं तो मुंडा समाज का जो है जो मुखिया था, उसका काम था झंडा मंदिर के ऊपर में देना और जगन्नाथ स्वामी का पगड़ी प्रदान करना, जो आज भी वो परंपरा है। उराव लोग जो है, उराव लोग घंटी बजाना, तेल उपलब्ध कराना, जो अहिर और रजवार जैसे मूर्तियों को मंदिर के कई ऐसे समय आते हैं वर्ष में, रथ यात्रा के समय, स्नान यात्रा के समय, कुछ और समय आते हैं। उस समय मूल जो गर्भगृह है, जो सिंहासन है जगन्नाथ स्वामी का, वहाँ से उनको लाया जाता है, ले जाया जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कि ढोने में कम से कम 50 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अहिर और रजवार जाति के लोगों को जोड़ा गया, कुम्हार को जिम्मेवारी दी गई कि भाई जो मिट्टी का जो बर्तन का जरूरत होगा वो कुम्हार देगा, माली तो फूल देने का काम, सब्जी उपलब्ध कराने का काम उसका काम रहा। आपका जो मुसलमान परिवार के लोग हैं, ये पूरा मंदिर परिसर, मंदिर गांव का देखभाल की जिम्मेवारी
उनको दिया गया। इस तरह से सभी जाति के लोगों को जोड़ा गया और जोड़ करके सिर्फ जोड़ा ही नहीं गया, उनको सेवा के बदले जमीन दी गई। स्थापना के साथ ही मानवीय मूल्यों की भी स्थापना कर समाज को जोड़ने के लिए हर वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी दी गई। उराव परिवार को घंटी, तेल और भोग की जिम्मेदारी दी गई। मुंडा परिवार को झंडा फहराने, पगड़ी देने और वार्षिक पूजा की जिम्मेवारी। रजवार और अहिर जाति के लोगों को भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ई परिवार को रंग रोगन की जिम्मेदारी दी गई। लोरा परिवार रथ की मरम्मत करते हैं। कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था करते हैं। पुरी की तरह ही रांची में भी भगवान विष्णु के स्वरूप में विराजमान भगवान जगन्नाथ 330 सालों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की न केवल कामना पूर्ति कर रहे हैं बल्कि दे रहे हैं कल्याण का वरदान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।